यस सेवन न्यूज मुद्दे की बात हम आपको लेकर चल रहे हैं। भिवंडी संघर्ष समिति द्वारा 6 तारीख को भीख मांगो आंदोलन जो किया जाएगा, इसका स्वरूप बताना चाहेंगे। सड़क, पानी, लाइट इत्यादि की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर के भिवंडी कर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुभाष दादा बोंडे ने अपनी ये बार राय रखी है कि हम संघर्ष समिति के माध्यम से ये आंदोलन करने जा रहे हैं। बात करते हैं सुभाष दादा बोंडे से। सर, जानकारी देंगे कि जो आपने आंदोलन की शुरुआत की है, 6 तारीख को जो आंदोलन करने जा रहे हैं, इसको इसमें इसकी रूपरेखा क्या है और कहाँ से कहाँ ये आंदोलन जाएगा? भिवंडी की हालत से सभी भिवंडी का शहरी अवगत है। रास्ते, गटर, कचरा, पानी, ड्रेनेज की समस्या, कचरा डालने के लिए कचरा कुंडी नहीं है, सब कचरा रास्ते पे डालना पड़ता है, रास्ते पे आ जाता है, वो सब आरोग्य का दूसरे बहुत बड़ा एक मसला भिवंडी में है। इस सब समस्याओं से लड़ने के लिए हम लोगों ने भिवंडी का संघर्ष समिति का गठन किया है। हम लोगों ने आयुक्त साहब को एक निवेदन दिया है कि आप एक शहरी से चर्चा करिए, संघर्ष समिति से आप चर्चा करिए कि हमारा क्या शहर की स्थिति से हम आपको अवगत कराने चाहते हैं। और बार बार ये सामने आता है कि महानगर पालिका निधि नहीं है, तो निधि जाता कहाँ पे? हम लोग घर पट्टी भरते हैं, हम लोग नल पट्टी भरते हैं, हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये सब टैक्सेस भरने के बाद में हमको अच्छी सुविधाएं देने की जवाबदारी महानगर पालिका की है। महानगर पालिका के पास अगर निधि नहीं है तो निधि देने की जवाबदारी राज्य शासन की, केंद्र सरकार की, उनको देना चाहिए। हम जो शासन को, प्रशासन को देते हैं, उसका हमको मुआवजा मिलना चाहिए, उसको हमारा अच्छा आरोग्य, अच्छा शहर, सुंदर शहर हम लोग को मिलना चाहिए। और इसलिए हमारी ये लड़ाई है भिवंडी का संघर्ष समिति। हम लोग 6 नवंबर को छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से लेकर महानगर पालिका तक एक भीख मांगो मोर्चा का आंदोलन हमने किया हुआ है। और इस मोर्चा के अंतर्गत हम हर शहरी से यह आह्वान करते हैं कि आप ये मोर्चा में शामिल होइए। हर भिवंडी का रास्ते, हर भिवंडी कर के दिल में एक आग जल रही है। हमारा बोलना यही है, ये जो आपके दिलों में आक्रोश है, ये रास्ते पे आने दो। तो किस तरीके से आप उनको आह्वान करना चाहेंगे कि वो आएं और इस संगठन की इसको सफल बनाएं? 6 तारीख का जो मोर्चा है, इसमें हर नागरिक को सहभागी होना चाहिए। मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से, शिवाजी चौक से महानगर पालिका को अपना एक विशाल मोर्चा का आयोजन हम लोगों ने किया है, हर नागरिक को इसमें शामिल होना चाहिए। अच्छा, जो निधि प्राप्त करेंगे वो किससे सौंपेंगे? यह महानगर पालिका को सौंपेंगे। आयुक्त साहब को हम लोग ये निधि देंगे, यह निधि हम लोग ने भीख मांग के लाया हुआ है, आप ये लीजिए और हमारे शहर का विकास कीजिए। अच्छा, उसमें मूक आंदोलन रहेगा या उनके खिलाफ कोई आक्रोश भी रहेगा? ये एक आक्रोश आंदोलन, हर आदमी के दिल में आग चल रही है, थोड़ा बहुत आक्रोश तो रहेगा। तो बीमारी का जो सिलसिला है, हॉस्पिटलों की जो हालत है, उसके बारे में कतार लगी है। आप हॉस्पिटल में जाइए, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, किसको गर्दन दुख रही, किसकी पीठ दर्द करे, किसको हर्निया है, किसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, उसको थाना तक ले जाना, तो यही रास्ते में मर जाएगा, पहुंचेगा ही नहीं वो थाना तक। ये रहे सुभाष दादा बोंडे जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि हम अध्यक्ष होने के नाते इस संघर्ष समिति के इस आंदोलन को तीव्र बनाना चाहते हैं और तीव्र बनाकर के महानगर पालिका को अवगत कराना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी राय क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, शहर को खंडहर बनाना चाहते हो या शहरी को सुविधा देना चाहते हो। खैर, ये कहावत सचमुच यहाँ पर लागू होता है कि खड्ढे में सड़क है या सड़क में खड्ढा। हम आपको ये जानकारी जरूर देंगे कि इस दर्द को उन्होंने लेकर के जो शहरियों से अपील की है, आप भी शामिल होइए, हम भी शामिल होते हैं और कुल मिलाकर के इस आंदोलन को सफल बनाकर के इस शहर को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन के पांडे के साथ सुरेंद्र